हॉल हाउस था। आज मैं आपके साथ अपना डीमार्ट और विशाल मेगा मार्ट दोनों का ही हॉल शेयर कर रही हूँ। छोटा सा सामान जो मैंने खरीदा मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने डीमार्ट से क्या खरीदा। तो सबसे फर्स्ट तो जो मैंने खरीदा है डीमार्ट से, अभी डीमार्ट में बहुत सारे अप्रैल स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे नए ऑफर्स आ गए हैं, नई सेल मतलब चीजें आ गई हैं। तो जो सबसे ज्यादा आया है वो है वाटर बॉटल। बहुत सारी सुंदर सुंदर डिजाइन की अच्छी अच्छी वाटर बॉटल्स हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं। डीमार्ट कंपेरेटिवली कुछ चीजों में ज्यादा सस्ता है विशाल मेगा मार्ट से। और हाँ, बॉटल्स आप ले सकते हैं, मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये वेलवेट का सोफा कवर, 2 सीटर लिया है। इसमें 3 सीटर भी वहाँ पे अवेलेबल था, और 3 सीटर मतलब 1 सीटर मुझे दिखा नहीं, 3 सीटर तो था। 3 सीटर की प्राइस थी 449 और ये मैंने लिया है 299 में। तो ये कुछ ऐसा है, अच्छे से दिखाती हूँ, कितना बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक। और मुझे काफी अच्छा लगा, वेलवेट है इस पे ऊपर और पीछे से ऐसे व्हाइट कलर का है, कॉर्नर्स इसके ऐसे जिगजैग वाले हैं। और इसके जो डायमेंशंस हैं, वेट डायमेंशंस भी मैं आपको बता देती हूँ, 68 बाय 116 सेंटीमीटर ये इसके डायमेंशंस हैं। वेट आपको अच्छे से दिख जाएगा ये, तो ये मुझे अच्छा लगा। ऑल दो मेरे पास सोफा नहीं है, बट मुझे इसे कहीं और बिछाना है एक टेबल पे, तो मैं उसके लिए लाई हूँ। इसके बाद जो मुझे डीमार्ट पे काफी अच्छे लगे वो ये किचन के कंटेनर थे मास्टर कुक के। इसकी जो प्राइस है वो 99 रुपीज है। ऐसे में 3 पहले भी ला चुकी थी, तो मैंने अभी 3 और खरीदे। ऑल दो और भी बहुत सारे डिजाइन और पैटर्न अवेलेबल है, पर ये डिजाइन मुझे काफी अच्छी लगी और काफी सुंदर है दिखने में और काफी अच्छे बड़े है। ये 1200 ml कैपेसिटी के हैं, तो मुझे काफी अच्छे लगे और क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छे हैं, तो मैंने ये खरीदे हैं। इसके बाद जो मैंने वहां से खरीदा है, एक ये कपड़े सुखाने वाली रोप खरीदी है, और इसके अलावा मैंने कुछ वहां से कटलरी खरीदी है। इसमें स्मॉल स्पून है, बड़ी स्पून है, और ये 6 फोक्स है, तो ये 666 मतलब टोटल 18 है, और इसकी जो प्राइस है वो 199 है। और सेम यही चीज मतलब यही कटलरी सेट मैंने विशाल मेगा मार्ट में भी देखा था, वहां पे 299 का था। बट अगर मैं सिंपल 6 स्पून्स लेती हूँ तो विशाल मेगा मार्ट में वो 69 रुपीज की थी और डी मार्ट में वो 79 रुपीज की थी। और सेम ऐसे ही फोक वहां पे 69 के थे, डी मार्ट में 79 के थे। पर हाँ, अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो ये ज्यादा सस्ता था, ये 199 का है और विशाल मेगा मार्ट में 299 का था ये। और इसके अलावा इसमें ही एक और था जिसमें स्पून का साइज ये वाला थोड़ा सा और बड़ा हो जाता, और 2 उसमें चमचे भी मतलब सर्विंग स्पून्स भी थे, वो 249 की थी, पर मुझे स्पून के साइज ये वाले अच्छे लगे तो मैंने ये वाले ले लिए। बस इसके अलावा सब बेसिक ग्रोसरी है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। अब हम चलते हैं विशाल मेगा मार्ट पर कि विशाल मेगा मार्ट से मैंने क्या लिया। तो विशाल मेगा मार्ट से मैंने ये वाले कंटेनर्स लिए किचन के लिए। ये इसमें ऑलरेडी लॉन्ग डली हुई है क्योंकि मैं इनको यूज कर चुकी हूँ, मैं सिर्फ दिखाने के लिए लाई हूँ। तो ये 40 रुपीज के 3 आते हैं, और ये वाला साइज मेरे पास बहुत सारे मतलब सेम डिजाइन मेरे पास बहुत सारी है, तो मेरे मैचिंग के हैं, और ये ऐसे छोटा छोटा सामान रखने में काफी यूजफुल है, तो मैंने ये लिए। इसके अलावा मैंने ये वाले कुशंस लिए हैं, ये स्मॉल साइज जो कुशन का होता है वो है, और ये बहुत सॉफ्ट है मतलब बहुत ही सॉफ्ट। इससे पहले वाले जो थे मेरे ये वाले, ये भी मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिए थे, बट ये भी 99 का एक था, पर ये तो अभी थोड़े से हार्ड वाले हैं, और ये वाले तो बिल्कुल ही ऐसे सॉफ्ट हैं, तो मैंने ये लिए हैं 2। ये भी 99 का है। इसके बाद जो मैंने लिया है वो मैंने एक रग खरीदा है, वो मैं आपको कैमरा मूव करके दिखाती हूँ कि वो कैसा है। ये वाला वो रग है जो मैंने खरीदा है, ये आई थिंक 3 बाय 6 का है, ये ऐसी लेंथ है पूरी की पूरी। और आप सोच रहे होंगे ये ऐसे गंदा गंदा क्यों दिख रहा है, पर ये लाइक ऐसे वाला है, जैसे ही मैं इसमें हाथ मूव करती हूँ या बैठती हूँ तो ये मतलब शेड्स के चेंज होते जाते हैं ऐसा। और ये पूरा वेलवेट का है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, और इसके जो नीचे है वो ये ऐसे स्टिक होने वाला स्टफ है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, और ये डिज़ाइन ऐसे चेंज होती रहती है इसकी, इसलिए आई थिंक आपको ये ऐसा अजीब सा कलर दिख रहा होगा। तो ये पूरा रग है लाइक दिस।
तो ये रंग मुझे काफी पसंद आया और ये इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल हैं। इसमें ब्राउन कलर भी अवेलेबल था पर मुझे ग्रे ज्यादा पसंद आया, तो ये 999 का मतलब अराउंड 1000 का है। और इसके अलावा मैंने लिए हैं दो पिलोज ये वाले रेक्रॉन के और वाइट कलर के हैं बिल्कुल, और ऊपर से मैंने कवर इसमें चढ़ा लिया है क्योंकि मैं इनको यूज भी कर चुकी हूँ। तो ये वाला साइज है और ये दो का सेट था 399 का। ऑल तो काफी सॉफ्ट है और अभी तक तो मतलब मैं इसको ऑलमोस्ट 1 वीक से यूज कर रही हूँ, तो अभी तक तो ये काफी अच्छी क्वालिटी में है। आगे पता नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार पिलोज बिल्कुल ऐसे ना पिचक जाते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं रह जाते। तो दैट्स इट। और अगर मैं बात करूं कि विशाल मेगा मार्ट और डीमार्ट में से क्या ज्यादा सस्ता है, तो ऑफकोर्स कुछ चीजें विशाल मेगा मार्ट में सस्ती हैं, कुछ चीजें डीमार्ट में ज्यादा सस्ती हैं, पर ओवरऑल जो चीजें हैं वो डीमार्ट में ज्यादा सस्ती मिलती हैं। बस ये वैरायटी आपको अलग अलग मिल जाती है दोनों जगह, वहां आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नई चीज है तो वो आपको ज्यादा सस्ती मिल रही होती है, लाइक बास्केट कंटेनर्स वो सारी चीजें विशाल मेगा मार्ट में ज्यादा सस्ती हैं, बाकी ये सारी अटरम शटरम चीजें डीमार्ट में ज्यादा सस्ती है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा कंपैरिजन मिल गया होगा मेरे इस वीडियो से, और मैंने बस इतनी ही शॉपिंग की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।